कहते हैं ना कि एक जब कोई शेड्स मिलता है चाहे वो नेगेटिव हो या फिर जब कुछ हो, आप मानते हैं इस बात को कि जैसे फिल्मों में आपको कुछ अगर नेगेटिव शेड्स मिला या फिर टीवी सीरीज में आपको जैसे कोई माइथोस मिला तो एक 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 बन जाता कि नहीं इनको यही मिलना है, ऐसा इस बात पर आप मानते हैं या बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं इस तरह का किरदार नहीं करते? देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका आपके द्वारा किया गया किरदार इतना ज़्यादा हैवी हो जाए आपके ऊपर उसकी छवि, तब ज़रूर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। बट अदरवाइज़ आज की डेट में शायद, क्योंकि मेरे लिए भी ऐसा है कि अगर मैंने माइथो कभी नहीं किया था एंड आई नेवर वांटेड टू बिकॉज बहुत सा कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, काफ़ी चीज़ें। बट एज एन एक्टर ये एक आपके लिए चैलेंज होता है क्योंकि इसमें जो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी वैसे लैंग्वेज, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। और जहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किया था, जब लोगों ने मुझे 10 ऑलरेडी अलग अलग चीज़ों में देख चुका है, मैंने लीड भी किया, पॉजिटिव लीड भी किया, नेगेटिव लीड भी किया है, मैं राजस्थानी भी बना हूँ, पाकिस्तानी भी बना हूँ, पंजाबी भी बना हूँ, और माइथो में एक और ही लैंग्वेज है जो अपनी संस्कृत और शुद्ध हिंदी। तो इसके लिए अभी मुझे लगता है कि मेरे लिए, क्योंकि सब शेड्स दे चुके हैं, देख चुके हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, शायद कोई अगर आप अपनी बिगनिंग करें, जो आपका पहला किरदार होता है वो आपने निभाया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई कॉमेडियंस कई होते हैं इतनी ज़्यादा आपकी छवि हावी हो जाती है तो वो आपको शायद उसी तरह से देखने लगते हैं। सो कहीं ना कहीं अंतर ज़रूर होता है। पहली ब्रेक आप ज़रूर, मुझे लगता है कि आप अपने आप को कहाँ सोचते हैं कि मैंने क्या करना है, यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर रोल्स, यू वॉन्ट टू बी द नेगेटिव लीड, यू वॉन्ट टू बी द पॉजिटिव लीड, तो उस हिसाब से आपको आपका पहला काम चूज़ करना चाहिए। और क्योंकि आपने पहला काम किया बहुत अच्छा आप करेंगे, लोगों ने पसंद किया, तो डेफिनेटली एक झुकाव प्रोडक्शन का या कोई भी आपको कास्ट करता है उस तरफ हो जाता है कि भाई हाँ इसको इसमें ले लेते हैं। तो बाकी अदरवाइज जब आप काम कर चुके हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं जी। कुछ बताना चाहेंगे करेंट जो अभी आपके प्रोजेक्ट्स हैं? जी हाँ, करेंटली काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। सो आई डोंट वॉन्ट टू नेम द प्रोजेक्ट जो मेरा पहले से चला आ रहा है, यशराज फिल्म्स के साथ मेरी फिल्म चल रही है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और उसके बाद एक अभी मैंने वेब सीरीज़ कंप्लीट की है, एक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है, ये है। और टीवी शो की अगर हम बात करें तो टीवी शो भी मैं साथ में स्टार भारत उनके लिए जय कन्हैया लाल की, विच इज़ अ प्रीक्वल ऑफ राधा कृष्ण, सो वो मैं कर रहा हूँ। सो ये चार पाँच चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा भी स्केड्यूल बिजी चल रहा है विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बस ये है। आगे भी एक दो चीज़ें और है, सो लेट्स सी हाउ आई सेटल विद द डेट्स।